नमस्कार जी, मैं हूं आपका भाई एडवोकेट जितेंद्र सीधे हाई कोर्ट से। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो मतलब आपका पूछना ये है कि सर हमें ये बताइए कि सिलेक्शन के बाद में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी में सिलेक्शन के बाद में हमारी पोस्टिंग, हमारी ज्वाइनिंग कहाँ पर दी जाएगी? हाई कोर्ट में दी जाएगी या फिर कहीं और दी जाएगी? तो दोस्तों, इसी कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो के अंदर दूर करने वाला हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं बता दूँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास में पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, पूछना ये है आपका कि ज्वाइनिंग कहाँ पर दी जाएगी। तो कई मेरे मित्रों का ये कहना है, वो ये समझते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग सीधे हाई कोर्ट के अंदर दी जाएगी, हाई कोर्ट में हमारा जॉब लगने वाला है इस वैकेंसी का मतलब फाइनल रिजल्ट आने के बाद में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ आपके को, और यहाँ पे बताता हूँ कि आपका डायरेक्ट सिलेक्शन, डायरेक्ट जॉब आपकी हाई कोर्ट में नहीं लगने वाली है, बल्कि आपकी जॉब जो आपने मतलब फॉर्म में फिलअप किया है, आपने भरा है, जो भी न्यायालय आपने भरे हैं, कहाँ कहाँ के न्यायालय भरे हैं आपने, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज न्यायालय भरे हैं आपने, तो उन्हीं में आपकी जॉब लगने वाली है। यानी कि ये जो जॉब है, ये फोर्थ ग्रेड की, ये राजस्थान हाई कोर्ट के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सभी में ये जॉब है। तो आपकी जॉब जो भी हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय हैं ऑल डिस्ट्रिक्ट में, जो भी आपने फिलअप किया है फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पर आपकी जॉब लगने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई बात पूछनी होती है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सेकंड चैनल का भी लिंक है, लीगल एडवाइजर जितेंद्र का भी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई तो आगे मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।